यशोमती मैया के नंदलाला। सबको दिखा दे कि यशोदा का कान्हा भी चलना सीख गो। चल बहुत से व्यक्ति ये कहते हैं कि वो विष्णु का अवतार है, तो सोच लो, समझ लो, तोड़ तोल कर उत्तर दो। करना चाहोगे मेरा ये कार्य? आपने मुझे मुक्त किया है महाराज, आपका ऋण है मुझ पर। वो बालक विष्णु का अवतार हो या स्वयं विष्णु, मेरे लिए आपका ऋण चुकाने की इच्छा से अधिक और कुछ नहीं। मैं इसी क्षण गोकुल जाऊंगा और उस बालक को उठाकर आपके सम्मुख लाऊंगा और आपके सम्मुख लाकर उसका वध करूंगा। आप निश्चिंत होकर महल जाइए महाराज, शेष कार्य आपका ये सेवक करेगा। मैंने कही थी ना यशोदा जी, बहुत शीघ्र चलने लगेगा। देखो और एक बार निकट आओ तो सही, जहां तक मेरी पहुंच है बस किसी तरह वहां तक पहुंच जाओ। ना लल्ला, इस सीमा के बाहर ना जाना है। मैया सही कह रही है पुत्र, तनिक बड़ा हो जा फिर जाना। बाहर जाना ना, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। थोड़ी ना, बहुत प्रतीक्षा करनी है अभी। हाँ नहीं तो प्रतीक्षा तो मुझे करनी पड़ रही है, पर कब तक? कभी ना कभी तो मेरी पहुंच तक आओगे ही। उचित अवसर की ताक में अब से प्रतीक्षा मेरी आंखों में बसेगी। नंदलाला, दिन हो या रात, आज से मेरी आंखें सदैव तुम्हारे द्वार की ओर ताकती ही रहेंगी। चले गए थे आप, और ये सब कैसे हुआ? आप ठीक तो है ना? बहुत पीड़ा हो रही है क्या? हे
इससे आनंददायक तो और कुछ भी नहीं हस्ती। स्वामी आप स्वस्थ तो है ना? पूरी तरह स्वस्थ हूं मैं। और अब वो स्वस्थ नहीं रहेगा क्योंकि विनाश गोकुल की ओर अग्रसर है। तेरे जन्मदिन के दिवस के दिन सारी गोपियां कितना सज धज के आई हैं, देख लो। तेरे जन्मदिन के स्नान की तैयारी यहाँ चल रही है और तू है कि बाहर, देख रहा है। मुझे स्नान कराने के लिए इतना सारा प्रबंध। आप तो प्रसन्न हो ना? लल्ला का पहला जन्मदिन है, फिर भी उत्सव छोटो ही रखो है मैंने। चले। उत्सव समाप्त हो जावेगो जानकी, शीघ्र चल। चल। वैसे बरसाना जाने की क्या आवश्यकता थी? मावा तो गोकुल में भी मिल जातो। मिठाइयों के लिए सबसे उत्तम मावा चाहिए था उन्हें। फिर तूने सही कहा, उत्सव का आनंद तो पक। क्या होगा? कच्छू ना, मैं तो बस यही कह रही थी कि उत्सव का आनंद तो पकवानों से ही आता है। हाँ, जन्म दिवस का उत्सव नहीं, मरण दिन का मातम मनाया जाएगा आज पूरे गोकुल में। लल्ला, उत्सव तो भीतर है, तू बार बार बाहर क्या देख रहे है? कान्हा तैयार हो जा, आज ये सारी गोपियां मिलकर तुम्हें स्नान करवाएंगी। पहले पूरे गांव का विनाश करूंगा, फिर उस बालक पर विपत्ति बनकर टूट पड़ूंगा। आज कंस के दरबार में उत्सव मनाया जाएगा, कंस के शत्रु की मृत्यु का उत्सव। हाँ।
क्या हुआ, मुझ पर विश्वास नहीं रहा क्या? विश्वास तो आप पर अटूट है महाराज, पर अतीत में मिली असफलताओं की सूची लंबी है। इसीलिए जिसे आपने भेजा है उस आंधी के दूत पर विश्वास करना तनिक कठिन हो रहा है। जिसे मैंने भेजा है उसके अतीत के बारे में जानकर असफलता का संदेह भी मृत्यु का वरण कर लेता है कि कहीं तृणाव्रत की शक्तियों से उसका सामना ना हो जाए। तृणाव्रत? वही तृणाव्रत जिसके आतंक से सदियों पहले महान ऋषि तक घबरा गए थे और उन्होंने वर्षों की भीषण तपस्या की जिससे उसे एक विशेष संदूक में बंदी बनाकर रखा जा सके। आतंक का साक्षात रूप उस महान तृणाव्रत को मैंने मुक्त कर दिया है और अब वो मुझे मेरे शत्रु की छाया से मुक्त करेगा, मृत्यु प्रदान करेगा उस विष्णु अवतार को मृत्यु। सुनो, जैसे ही उस बालक की मृत्यु का समाचार प्राप्त हो तो तीन बार तीव्र स्वर में देवकी और वसुदेव के सामने घोषणा करवाना। आनंद और भी बढ़ जाएगा। नंदराज, रानी भाभी, बाहर का वातावरण बहुत बिगड़ता दिख रहा है। मुझे तो कुछ चिंता की बात ना लग रही। पल भर को मुझे ऐसा लगो कि जैसे भयंकर रूप बिगड़ ना रहो है, सुहावना होगा है। मेरे कान्हा का जन्मदिन है ना, तो तीव्र वायु चला के प्रकृति बधाई दे रही है। विनाश के संकेत दे रही है मैया, ये सावधान होने का समय है। मैं चलती हूँ जशोदा, कहीं पिछली बार की जैसे आंधी आ गई तो भीषण समस्या हो जाएगी है। संक्री मौसी, मेरे लल्ला का जन्मदिन है, इतनी शीघ्र क्यों जा रही हो? अरे जानकी कस्तूरी, तुम सब कहाँ चली? भाभी, जाने का मन तो मेरा भी ना है, किंतु जाना पड़ेगा। घर की कुंडी भी ना लगाई मैंने। हाँ भाभी, और मुझे भी देखना पड़ेगा कि घर पे सब ठीक है कि ना। क्षमा करियो जीजी, मैं चलती हूँ। यशोदा, लगता है मैं द्वार और झरोखे खुले ही छोड़ आई हूँ, जाकर संभालती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं और बलराम भोजन के समय से पहले ही आ जाएंगे। सुलक्षणा, तू भी? मेरे पापड़ बाहर चटाई पर सुखाए थे, इधर उधर हो गए तो सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। पर कान्हा के जन्मदिन का भोज तो खाने आ जाना। अरे कोई आए ना आए, मैं तो अवश्य आऊंगी, और सबसे पहले भोजन मेरे थोड़ी ना जाने दोगी मैं। हाँ सुधा, मैं अभी तनिक गौशाला देख कर आता हूँ। बंसी चल। जाने दो सबको लल्ला, तेरे जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए मैया और लल्ला हम दोनों ही पर्याप्त हैं। बात तो सही कही मैया, पर मुझे तो इस अनचाहे अतिथि को भी संभालना है। हाँ
अन्नप्राशन से पहले भी यही हुआ था और आज भी अचानक प्रकृति देवी क्रोधित हो गई है। हे नारायण, ये उत्सव के समय ही कोई ना कोई विघ्न क्यों आ जाता है? मैं तो बस तेरा जन्मदिन विशेष बनाना चाहती हूँ लल्ला। मेरा बस चले तो सारे संसार को विवश कर दूं कि ये दिन उत्सव के जैसे मनाए। पर मैं तो अपना जन्मदिन आपके साथ मनाकर ही प्रसन्न हूँ मैया। अच्छा जी, तो तू भी अपना जन्मदिन केवल अपनी मैया के साथ मना के ही प्रसन्न है? तो बता, पहले क्या करें? गीत गाएं कि नृत्य करें? बता। मैं संगीत बजाऊं प्रभु। आज तेरा जन्मदिन है काना, जितना मन करे उतना उड़। ये असुर तो मेरी आशा से भी अधिक निकट आ पहुंचा है। मैया के सामने इसका सामना कैसे करूं? बालक जिसके लिए महाराज कंस ने मुझे यहाँ भेजा है। और तुम हो वो त्रिनावत जिसके काल ने स्वयं पुकार कर उसे यहाँ बुलाया है। लगता है तुझे उड़ना बहुत प्रिय है। चिंता मत कर बालक, आज तेरे साथ तेरी माँ को भी उड़ा कर ले जाऊंगा। ऊंचाई से गिरकर जब वो प्राण त्यागेगी देखने में बहुत आनंद आएगा। जिस कंठ से तुमने ये अपशब्द मेरी मैया के बारे में कहे हैं, आज उसी कंठ से तुम्हारे प्राणों का हरण करूंगा त्रिनावर। ये मैया के सम्मान के लिए एक पुत्र का वचन है। महाराज कंस को वचन दिया है मैंने, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, स्वयं विष्णु भी नहीं। ये दुष्ट तो मेरी मैया को भी हानि पहुंचाना चाहता है। मुझे शीघ्र ही कोई उपाय खोजना होगा ताकि मैया मेरे साथ खेलना छोड़कर भीतर चली जाए और मैं इसका सामना कर पाऊं। इतना भारी कैसे होगा? या मैं ही थक गई? चल लल्ला, बैठ के खेलते हैं। हाँ बैठ जा। अरे मैया तो यहीं बैठ गई, अब क्या करूं? मैं मैया के सामने त्रिनावर्त को नहीं आने दे सकता और ये भी मुझे छोड़कर भीतर नहीं जाएंगी। वायु तीव्र हो रही है लल्ला, भीतर चले। एक उपाय है,
बहन योग माया सहायता करो ना। जसोदा जन्मदिन का आशीर्वाद देने आई है ना बहन। मैया को शीघ्र ही भीतर ले जाओ और हाँ, इन्हें अपनी माया के प्रभाव में रखना ताकि ये कुछ समय तक मुझे भूली रहे और मैं इस राक्षस से युद्ध कर सकूं। आपकी सीख बहुत काम आई मेरे, जैसा आपने बताया था ना वैसी मालिश करती हूँ इसकी। मैं तो बताना ही भूल गई, कान्हा नाम है इसका। वैसे तो कृष्ण नाम रखो है पर सब मैया को तब तक बाहर मत आने देना जब तक मैं अपना कार्य समाप्त ना कर लूं। अब आओ त्रिनावर। मेरी परिक्रमा करने आए हो क्या त्रिनावर? नहीं, तेरा काल बनकर आया हूँ। सत्य है कि तू विष्णु का ही अवतार है। अब तो और भी आनंद आएगा इस युद्ध में। तेरी हत्या करके कंस के दरबार में आज के युग का सबसे महान राक्षस बन जाऊंगा मैं। जिस कार्य को उतना भी करने में अक्षम सिद्ध हुई वो कार्य ये करके दिखाएगा। महान राक्षस योद्धा तृणावर्त। देखना ऐसे दबोच लेगा तृणावर्त उस बालक को अपनी मुट्ठी में। बहुत खिलखिला रहा था ना, अब मुस्कुरा कर दिखा। जब तुझे महाराज कंस के सामने आकाश में ले जाकर भूमि पर फेंकूंगा तब कैसे मुस्कुराएगा विष्णु अवतार? आ
आज तृणावर्त उस दुष्ट बालक को मेरे सामने लेकर आएगा। और तब उत्सव मनाइएगा महाराज। आने वाले सुख की कल्पना करके प्रसन्न नहीं हुआ जाता, भाग्य को बुरी दृष्टि लग जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि तृणावर्त अपना दायित्व अवश्य पूरा करेगा, पर कार्य पूरा होने के बाद उसकी घोषणा करना बुद्धिमानी मानी जाती है महाराज। कुछ अधिक ही बोलने लगी हो। चुई मुई सी प्राप्ति के मुख में उसकी जीभ अपना अस्तित्व खोजना चाहती है। उसे सीमा में रखो। आप तो कछु खा ही ना रही, तनिक तो लो। चक्कर बताओ कैसा लग रहा है, मैं आपके लिए छाछ लेकर आती हूँ। जसोदा, हाँ? छाछ के स्थान पर मीठी लस्सी मिलेगी। हाँ, आप यहीं रुको, मैं कान्हा को बाहर ही छोड़ आई हूँ। न जाने ऐसा क्यों लगो मेरा लल्ला संकट में है। माँ की ममता को कौन सी माया बांध पाई आज तक भला। अद्भुत है अपनी संतान के लिए इस माँ की ममता। अपनी सुरक्षा का ध्यान तक नहीं, परंतु अपने पुत्र की रक्षा के लिए इस महाभयंकर झंझवात से लड़ने चली गई है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे भ्रमण के लिए ले जा रहा हूँ? रुक, तुझे और ऊपर ले जाता हूँ, तभी तुझे ऊंचाई से गिरने के भय का अनुभव होगा। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ बालक, तेरे प्राण संकट में हैं। जब तुझे इतनी ऊंचाई से नीचे फेंकूंगा तो तेरा तन इतने भागों में बढ़ जाएगा कि समस्त गोकुलवासी भी तेरे तन को समेट नहीं पाएंगे, और मथुरा में महाराज कंस प्रसन्न होकर नृत्य कर उठेंगे। तब तो यहाँ जो हो रहा है कंस मामा को दिखाना चाहिए मुझे। वो देखो, वो रहा तृणावर्त उस बालक के साथ। वाह तृणावर्त वाह, इसे क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे। मैं प्रभु की सहायता के लिए जाऊं या नहीं? इस राक्षस के दंभ को शीघ्र ही तोड़कर मुझे मैया के पास लौटना होगा। इसे मेरी मुस्कुराहट से चिढ़ है, तो अब यही बनेगी मेरा अस्त्र। इन्हें तो मेरी सहायता की आवश्यकता ही नहीं है, यदि होगी तो
तो ये सदैव की तरह मेरा स्मरण अवश्य करेंगे। तब तक उचित क्षण की प्रतीक्षा करनी होगी मुझे। ऐसी भीषण आंधी आज तक गोकुल में ना आई। मुझे लल्ला और यशोदा को संभालना होगा, कहीं वो भयभीत ना हो जाए। ओना बंजी, बंजी। यशोदा। कान्हा ना मिलो, कान्हा कहाँ है? कहीं मिलो, कहीं मिलो। लल्ला। ओना बंजी मिलो। लल्ला। पंछी उठो, ओला ओला उठो। तुम दोनों ठीक तो हो ना? कान्हा कहाँ है? नंदा जी, आंधी में कान्हा की रक्षा करने का प्रयास किया था हमने। प्रयास किया था, इसका क्या अर्थ है? रानी भाभी, हमने देखो कि बहुत तीव्र आंधी आ रही थी। हम कान्हा को बचाने के लिए भागे भी, परंतु हमारे पहुंचने से पहले ही हमें भयानक आंधी ने घेर लियो और हमें उठाकर यहाँ पटक दियो। ना जी, आंधी कितनी भी भयानक क्यों ना हो, मेरे कानों को कुछ हानि ना पहुंचा सकती। आंधी कितनी भी भयानक क्यों ना, मेरे कानों को कुछ हानि ना पहुंचा सकती। मेरे कानों को कुछ हानि ना पहुंचा सकती। मेरे कानों को कुछ हानि ना पहुंचा सकती। मेरा हृदय कह रहा है कान्हा ठीक ही होगा, किंतु है कहाँ कान्हा? यशोदा, कुछ ना होगा कान्हा को। कान्हा, चलो ढूंढो कान्हा को। बड़ी शीघ्रता है तुझे यमलोक में जाने की, तभी तो मेरी पास में जकड़ा हुआ भी मुस्कुरा रहा है। तनिक ठहर, और अधिक ऊंचाई पर ले जाकर फेंकूंगा तुझे, तेरी सारी मुस्कुराहट विलीन हो जाएगी। चलो त्रिनावर, अब मैं भी देखता हूँ कितना ऊपर उठा पाते हो मुझे। थे मुझे पहाड़ जितना बाहर कैसे आ गया इसमें? अभी से घबरा गए त्रिनावर, अभी तो मैंने तुम पर अपने भार का मात्र एक छोटा सा अंश डाला है। ये बच्चा तो किसी विशाल पर्वत की तरह भारी हो गया है। त्रिनावर, फेंक दो उसे। कान्हा को कुछ ना हो सकता, वो ठीक होगा ना जी? कहाँ गया कान्हा? इतनी शीघ्र पराजय स्वीकार कर ली? बस बहुत हुई तेरी माया, अब समय आ गया है, तुझे यहीं से नीचे फेंकूंगा। सत्य कहा त्रिनावर, समय आ गया है। Yeah.
अवश्य छोड़ूंगा जब तुम्हारे प्राण इस तन के बंधन से छूट जाएंगे तब। वो नन्ना सा बालक, नन्ना सा बालक ऋणा व्रत का वध कर रहा है। मैं कहता हूँ छोड़ मुझे। पंची तुम उस तरफ देखो, बोला तुम उधर जाओ। दादा तुम चिंता ना करो यशोदा, मिल जाएगा हमारा कार। तुम रुककर प्रतीक्षा करो, मैं स्वयं ढूंढ कर लाऊंगा लल्ला को। ना रुककर प्रतीक्षा ना होगी मुझसे, मैंने अकेला छोड़ा था उसे, मैं भी चलूंगी आपके साथ। चलो दादा। कुछ पल पहले ये मुस्कुराहट मेरे लिए क्रोध का कारण थी, किंतु अब इससे अधिक सुंदर, इससे अधिक दिव्य और कुछ नहीं हो सकता। असुर त्रिनावर और अब मेरे भक्त सहस्राक्ष, जो इस जन्म में हुआ वो तुम्हारे पिछले जन्म के सुकर्मों और कुकर्मों का फल था। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। पिछले जन्म में तुम पांडु नरेश राजा सहस्राक्ष, तुमने मेरी बहुत भक्ति की थी, पर एक भूल ने तुम्हें असुर के रूप में जन्म लेने पर विवश कर दिया। कैसी भूल प्रभु? एक बार तुम्हारी सेविकाएं तुम्हें नदी में स्नान करवा रही थी, तुम आनंद में इतने मग्न हो गए थे कि वहां से यात्रा करते महर्षि दुर्वासा का अभिवादन तक न किया। एक
ऋषि को देखकर अनदेखा कर देना, आनंद में लीन होकर सहज शिष्टाचार भूल जाना, राक्षस प्रवृत्ति है ये। महर्षि, मैं तुम्हारे इसी राक्षसी व्यवहार के कारण तुम्हारा ये क्षण भंगुर शरीर उसी क्षण में भंग हो जाएगा। मृत्यु के बाद एक राक्षस के रूप में फिर से जन्म लोगे तुम। ये मेरा शाप है तुम्हें। दया महर्षि, दया। मुझे अहंकारी पर दया कीजिए, मुझे अज्ञानी को क्षमा कीजिए। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, किंतु क्या मेरी एक भूल मेरे जीवन भर की तपस्या और भक्ति को व्यर्थ कर देगी? मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, व्यक्ति को अपने कुकर्मों के साथ साथ सुकर्मों का भी फल अवश्य प्राप्त होता है। कुकर्म का परिणाम तुम जान चुके हो, सुकर्म के फल स्वरूप तुम्हें वो प्राप्त होगा जिसकी अभिलाषा बड़े बड़े संत महात्मा किया करते हैं। तुम्हें मुक्ति मिलेगी, स्वयं तुम्हारे आराध्य प्रभु श्री नारायण के हाथों परमात्मा के द्वारा मरण होने के कारण मोक्ष प्राप्त होगा तुम्हें। परमात्मा के द्वारा मरण होने के कारण मोक्ष प्राप्त होगा तुम्हें। महर्षि दुर्वासा ने तुम्हें आश्वासन दिया था शास्त्राक्ष, इसीलिए मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। कान्हा, आप ठीक तो है ना?